चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे लानी चाहिए वो भी पाऊंगा। गहलोत साहब जिम्मेदारी की आप पर है और कहा ये जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन है उन सबके परिवारों को विश्वास मेरे पर ही है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार उनकी मोहब्बत जहाँ मेरा उपयोग है राजस्थान में है दिल्ली में है जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात है गहलोत साहब, अब तो मेरे लिए है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ, जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग, अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद की सब कुछ कर सकते हैं। आज अगर मान लो पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में अध्यक्ष के रूप में मना नहीं करते हैं, ये मेरी धारणा। गहलोत साहब आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे, अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक ये भी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था तो क्या उस पर क्या उन्होंने पास किया है, एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद जहाँ कोई हाईकमांड नॉमिनेट करते हैं वो दो पद के लाते हैं, ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते हैं राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं है की बात में नहीं कह रहा हूँ, वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने तो मैं पीछे नहीं हटूँ। सर दोनों पद आप संभाल सकते हैं मुख्यमंत्री और अध्यक्ष? मैंने कहा ना आपको मैं जहाँ भी रहूँ एक पद पे दो पद पे तीन पद पे कहीं पे भी नहीं तो मुझे ऐसा नहीं होगा, मेरी इच्छा तो रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं हूँ, मैंने बहुत पद संभाल लिए। अब मैं मैदान में उतरूँ राहुल गांधी के साथ दौरे करूँ यात्रा करूँ जनता का आह्वान करें, हम लोग देश भर के लोगों का आह्वान करके हम लोग सड़कों पर लाएं और ये जो फासिस्ट लोग बैठे हुए हैं इनके खिलाफ में हम लोग मोर्चा खोलें, ये मेरी हार्दिक इच्छा के लिए है। मेरी इच्छा क्या काम आएगी क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारण मुझसे कोई हमारे गलतियों से नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में जो मिसाल था वो कोलगेट टू जी स्पेक्ट्रम लोकपाल वो कहाँ चले गए, वो नाम ले ही नहीं रहा है, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है और कांग्रेस की मजबूती के लिए जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। गहलोत साहब नॉन गांधी प्रेसिडेंट अगर होगा हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इस टक्कर को, लोग बड़े दिलचस्पी से देखो, मैं तो ये मुकाबले तो होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी होनी चाहिए तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस पार्टी में डेमोक्रेसी है इंटरनल डेमोक्रेसी है। कब तो राजनाथ सिंह जी बन गए, कभी अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए बीजेपी से और कब बन गए नड्डा साहब बन गए। कोई चर्चा होती देश के अंदर? हमारा सौभाग्य है कि देश का मीडिया सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करता है, हम आपको बहुत आभारी हैं आप लोगों के कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है जिसे त्याग बलिदान और जो है कुर्बानी है आजादी के पहले की आजादी के बाद आज भी लोग याद कर उनके जहन में है, इसलिए आज मीडिया वाले देखते हैं कांग्रेस हालांकि वो गोदी मीडिया होगा दबाव में होगा ED इनकम टैक्स CBI होगा उसके बाद भी उसके दिल के अंदर ये है ये पार्टी मजबूत रहनी चाहिए, हमारी मजबूरी है कि हम गोदी मीडिया बने हुए हैं, पर कांग्रेस का जो आजादी पहले का आजादी के बाद का इतिहास है वो किसी कीमत पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए देश के अंदर, इसलिए आज मीडिया हमारा
चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव किसी की लोगों के साथ देते देता हम आप जावा गहलोत साहब अगर नॉन गांधी प्रेसिडेंट अगर होगा तो नेहरू गांधी ने क्या भूमिका होगी। आखिरी बार जाके मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने प्रस्ताव रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4-5 दिन पहले राहुल गांधी जी को अध्यक्ष स्वीकार करना अभी हमारी इच्छा है। ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष वो यात्रा करते हैं तो और ज्यादा एक और बनेगा पार्टी का, मेरा मानना है। तो मैं जाके उनसे और बात कराऊ, एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं तय करूंगा, तब मैं आपसे मिलूंगा। नॉन गांधी प्रेसिडेंट होगा तो गांधी परिवार की क्या भूमिका होगी उनसे पूछिए, मुझे क्यों बता रहे हैं। प्रॉफिट लागू नहीं होगा, ऑफिस एंड प्रॉफिट जो होता है दो पदों पे रहने का मामला, क्योंकि लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि फिर जिम्मेदारी राजस्थान की कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री पद का। अगर आप अध्यक्ष आगे तो मैं हूँ, आगे तो मैं हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ लेके आए। दो पदों पे रहने का जो मसला होता है अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको कहा ना ये जो पार्टी चुनाव हो रहा है ये तो ओपन सबके लिए है, मेरा जवाब हो गया। यस सर, कांग्रेस जैसी पहुंचे हुए हैं।